गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। क्या कोई ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एग्जैक्ट अपने जैसे कार्बन कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं? तो हम लोग उसमें देखे थे कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाते, बल्कि उनका जो डीएनए होता है वो डीएनए अपना कॉपी बनाता है। ये कॉपी तो बनते हैं, लेकिन टू कॉपी आइडेंटिकल नहीं होते। और यही डीएनए जो है वो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है, मतलब कि पेरेंट्स के जो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट करने के लिए यही डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए आपका जो रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं इनमें डीएनए अपना पहले कॉपी बनाता है और फिर वो कॉपी जो है न्यू इंडिविजुअल्स में ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। देखिए, वेरिएशन होता है चेंजेस। हर ऑर्गेनिज्म के लिए चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सराउंडिंग है उसमें आपका वेरिएशन आते चेंजेस आते जाता है। अगर हम लोग उस एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद में चेंजेस डेवलप नहीं करेंगे तो हम इस अर्थ में सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए वेरिएशन लाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मीन्स चेंजेस लाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के टाइम पे हम लोग जान रहे हैं क्या प्रोड्यूस होते हैं, डीएनए कॉपी बनते हैं, ठीक है। डीएनए कॉपी का फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है, रिप्रोड्यूसिंग सेल्स में होते हैं, और ये हेल्प करता है कि जो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बॉडी डिजाइन मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं, ताकि इस एनवायरमेंट में वो एग्जिस्ट कर सके। क्योंकि एनवायरमेंट में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, वाटर लेवल में चेंजेस आ रहे हैं, और इन सारे एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म अगर खुद में वेरिएशन नहीं लाएगा तो इस अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मीन्स वो विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है, और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए वेरिएशन हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ताकि चेंजेस को वो टॉलरेट कर सके। इसलिए चेंजेस जो है वो हर एक स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स पे। रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग वैसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन सिंगल पेरेंट के थ्रू होता है। इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, एक ही पेरेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग वैसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें आपका दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, और दो पेरेंट्स मिलकर एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। अब आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं जिसमें ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन सिंगल पेरेंट के थ्रू हो रहा है, तो वैसे रिप्रोडक्शन जो है वो आपके बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि आपका फिजन, बडिंग, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। इसका मतलब है न्यू ऑफस्प्रिंग जो आएंगे वो आपका फिजन प्रोसेस के थ्रू भी होते हैं, बडिंग, कुछ आपके जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बडिंग रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं, कुछ रीजनरेशन के थ्रू आते हैं, कुछ फ्रेगमेंटेशन के थ्रू आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं जो आपका न्यू ऑफस्प्रिंग के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब इसको हम लोग वन बाय वन हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका जो है वो फिजन है, ठीक है। फिजन मीन्स होता है ब्रेक डाउन। देखिए, दो वर्ड हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फर्स्ट है आपका फ्यूजन और सेकंड है फिजन। अक्सर लोग इन दो वर्ड से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला दो वर्ड है। देखिए, एफ यू एस आई ओ एन, फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स होता है आपस में कंबाइन करना, जब वो जुड़ेंगे तो वो कहलाएंगे फ्यूजन,
और यहाँ पे क्या है FISSION, फीजन। फीजन मतलब जुड़ना नहीं बल्कि टूटना, ठीक है, ब्रेक करेंगे। तो फीजन जो है वो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसके थ्रू ऑर्गेन न्यू ऑफस्प्रिंग का न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होते हैं कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बॉडी दो न्यू इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर जाता है। आपने अमीबा का नाम सुना होगा, ठीक है। अमीबा जो है वो आपका इरेगुलर शेप के होते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। अमीबा जो है, ठीक है, यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं अमीबा फर्स्ट, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो है यहाँ पे दिखा रहा है एक ऑर्गेनिज्म है, ये आपका पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। अब सेकंड फिगर में देखिए, यहाँ पे सेकंड फिगर में क्या हो रहा है कि इसका जो न्यूक्लियस है बीच में, जो सेंटर पे न्यूक्लियस नजर आ रहा है वो देखिए, वो आपका डिवाइड होना स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड फिगर में देखिए, ये आपका डिवाइड करके दो न्यूक्लियस हो गए और इनके जो साइटोप्लाज्म है ये भी आपका, इनमें भी डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये इनका जो मेम्ब्रेन है वो भी ग्रूव्स क्रिएट करते हैं और इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी आपका डिवाइड करेगा। तो यहाँ फोर्थ फिगर में देखिए कि ये आपका एक फर्स्ट में क्या था, एक पेरेंट सेल था, उसके बाद ये पेरेंट सेल जो है पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया, फिर साइटोप्लाज्म आपका डिवाइड हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन अलग हो रहे हैं और ये दो न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिक्स्थ फिगर में आप देख सकते हैं ये एक सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड कर गया, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक पेरेंट बॉडी दो न्यू डॉटर सेल में डिवाइड कर गए। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन, क्लियर है। बाइनरी फिजन में हम लोग देख रहे हैं कि एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर गया दो न्यू इंडिविजुअल्स में, ठीक है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुए, एक न्यूक्लियस से आपका दो न्यूक्लियाई बने, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड किए और दो न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन किए। तो इस तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को हम लोग कहेंगे बाइनरी फिजन। बाइ मीन्स होता है टू, ठीक है, और फिजन मीन्स डिवाइड करना। एक सेल दो सेल में जब डिवाइड कर जाएगा तो क्या कहलाएंगे, बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल हम लोग इसमें ले सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम। पैरामीशियम भी जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू ही न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते। तो ये जो न्यू डॉटर सेल आए यही न्यू इंडिविजुअल्स है, इनके ऑफस्प्रिंग हुए, ठीक है। तो इस तरह से न्यू ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड जो है वो है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन कहने का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड कर सकते हैं, जबकि बाइनरी फिजन में हम लोग अभी पढ़े कि एक सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड किया। मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, ठीक है, जैसे कि आपका जो मलेरियल पैरासाइट होते हैं तो वो आपका बहुत सारे डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट आते हैं बडिंग। बडिंग जो है यहाँ पे नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि जरूर यहाँ पे कुछ बड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर पेरेंट बॉडी में पहले, सबसे पहले एक छोटा सा वहाँ पे पेरेंट बॉडी में बड्स बनेंगे, ठीक है, वो बड्स जो है वो ग्रोथ करेगा, मैच्योर होंगे और पेरेंट बॉडी से वो डिटैच हो जाते हैं, मीन्स अलग हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये एक न्यू ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट कर जाएंगे, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ये डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरह का मेथड जिसमें पेरेंट बॉडी में पहले बड का फॉर्मेशन होगा, बड जो है वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएंगे और न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, तो इस तरह के मेथड को हम लोग कहेंगे बडिंग, ठीक है। तो यहाँ इसमें क्या हो रहा है कि बड का फॉर्मेशन होगा उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं हाइड्रा, ईस्ट। इस फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रा और ईस्ट का यहाँ पे फिगर दिखाया गया है और दोनों के पेरेंट बॉडी में देखिए बड्स क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट फिगर में देखिए पहले बड बना, उसके बाद बड में से देखिए यहाँ पे आपका टेंटेकल्स यहाँ पे आपका ग्रोथ कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये मैच्योर होकर पेरेंट बॉडी से, फोर्थ फिगर में देखिए कि बर्ड्स जो है वो पेरेंट बॉडी से अलग हो गए। तो ये प्रोसेस कहलाएगा आपका बडिंग, ठीक है। ईस्ट वगैरह में भी यहाँ पे